हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। आज डेली कैप्सूल ऑफ 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जियोलॉजी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेथ इज ए, तो स्ट्रेथ आपका एक तो पहली बात है कि ये इरोजनल फीचर है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये फ्लूवल इरोजनल फीचर है, और तीसरा ये है कि ये लार्ज वैली होती हैं, ठीक है, लार्ज वैली स्पेसिफिकली फ्लूवियल ओरिजन की, रिवराइन ओरिजन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, इरोजनल फीचर है, रिवराइन है, वैली है, ठीक है, आपका आंसर है फ्लूवियल ओरिजन, ठीक है। तो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें स्ट्रेथ आपकी वैली है और वैली क्या होती है, आपका इरोजनल फीचर ही होता है, उसमें डिपोजिशनल प्रोसेस ऐसे वो फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें द चेनियर इज ए लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद, ठीक है, तो ये सिंपल सा है, कोस्टल प्रोसेसेज में आपको चेनियर मिलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं इसको आप एक बार सर्च करना, ठीक है, अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। तो कोस्टल प्रोसेस से रिलेटेड है, जो टिपिकल चीज़ हैं, जो टिपिकल प्रोसेसेज हैं वही अपन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी जो आपने स्ट्रेस देखा, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि बाकी दो ऑप्शन तो आप बहुत आराम से कर पाते हैं, लेकिन के जो रिमेनिंग दो पोर्शन जो दो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर इतना कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, ठीक है। और 50-50 केसेज में आप अगर तुक्का मारते हो तो फिर वो राम भरोसे है, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसी टिपिकल चीज़ों को आपको थोड़ा सा तैयार करना है, ठीक है। जैसे चेनियर आपका कोस्टल प्रोसेस से रिलेटेड है, स्ट्रेथ आपकी फ्लूवियल इरोजनल से रिलेटेड है, इस तरह के फीचर आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये मैच द फॉलोइंग वाला आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा है पॉइंट बार, बम, सर्क या डांग, तो इसमें आप तीन तो बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है, या दो तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जो पॉइंट बार है ये आपका फ्लूवल प्रोसेस से रिलेटेड है, जो आपकी सर्क है ये आपके ग्लेशियल से रिलेटेड है, जो यारडांग है ये आपके ईओलियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब बर्म है जो आपके वो ऑटोमेटिकली सी से रिलेटेड हो जाएंगे। ये बर्म होते क्या हैं कि जैसे यहाँ पे ये आपकी एक सी क्लिफ है, ठीक है, और यहाँ से ये बीच है और यहाँ से आपकी जो ओशन है वो स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे कि जो वेव्स हैं वो बीच पे आएंगी और वापस जाएंगी, ठीक है। तो आएंगी तब इनकी अगर एनर्जी कंडीशंस कम होंगी तो इनके साथ में ये जो भी अपने साथ सेडिमेंट कैरी कर रही हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉप करती हुई चले जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड कि सी वेव्स की एनर्जी है वो कम हो, ठीक है। तो ये लोड को वापस नहीं ले जाने में कैपेबल नहीं होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लोड ये कैरी करके ला रही होंगी इधर से, ये सारा का सारा ये क्या करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट करते चले जाएंगे। तो आपको होगा क्या, विद कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे एक थिक सैंड एक्यूमुलेशन मिल जाएगा नीचे, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, बर्म बोलते हैं, ठीक है, बर्म। ये अपन ओशियनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें बताऊँगा मैं आपको, कोस्टल वेव्स जो होते हैं, कोस्टल प्रोसेसेज जो होते हैं उसमें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये अभी ध्यान में रखना कि बर्म इज एसोसिएटेड विद सी और ये डिपोजिशनल फीचर है बर्म जो आपका है, ठीक है, ये डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दो क्वेश्चन मेरे को किसी ने भेजे थे, ये मिस्टर एस के, कौन है, मिस्टर एस के, ठीक है, तो पता नहीं है मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जब तक आप मिनरल फैमिलीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तब तक इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे नहीं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने पास में कुछ साइट्स होती हैं, ए साइट, एम वन साइट, एम थ्री साइट, एम फोर साइट, टेट्राहेड्रल साइट, ऑक्टाहेड्रल साइट, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल साइट में जो होते हैं वो मोस्टली आपका सिलिकन ही होता है, ठीक है, और जो ऑक्टाहेड्रल साइट है उसके अंदर सिलिकन भी हो सकता है और आपका एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आपका आयरन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, ठीक है। और जो आपकी ए साइट हो रही है ये जनरली आपकी सोडियम पोटेशियम यही ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अपन जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात करते हैं इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो अपन देखते हैं मिनरल फैमिलीज में, तो उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर की अपन स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वो या तो सिलिकन होगा या एल्यूमिनियम होगा या Fe3+ होगा या फिर आपका कोई Cr3+ होगा जो स्पेसिफिकली जो आपका ऑक्टाहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब मैंने पोलिंग रेडियस रेशियो बताया था आपको, उसमें मैंने सारे एक पूरी डिटेल बताई थी कि पोलिंग रेशियो होता क्या है, आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन ओवर आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन, ठीक है, और उसमें भी मैंने बताया था कि आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन इज मोस्टली और इन मोस्ट केसेज इज
ग्रेटर देन दी आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन। तो जो वैल्यू आएगी, जो रेशियो जो होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन वन ही होती है मोस्टली, ठीक है। और टिपिकली अपन वन लेते हैं कि आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन दोनों इक्वल हो जा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक रेंज बताई थी 0.15, ठीक है, याद आ रहा होगा, 0.152, 0.22, फिर 0.22, 0.41, 0.412, 0.73, 0.7321 ऑन वन। तो ये मैंने रेंज बताई थी, उसमें बताया था कि ये जो रेंज है इसमें आपकी ऑक्टाहेड्रन, सॉरी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 होता है, इसके अंदर 4 होता है, इसके अंदर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 12 होता है, ठीक है। तो उसमें मैंने जो कोऑर्डिनेशन 4 नंबर बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था सिलिकेट टेट्राहेड्रा का। मतलब क्या है कि सिलिकन जो है वो आपका कौन सी साइट ऑक्यूपाई करता है, मोस्टली टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करता है, और टेट्राहेड्रल साइट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, ठीक है। अब इन प्लेजियोक्लेज इन गार्नेट, गार्नेट के अंदर जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्टाहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करता है, और जो आपका प्लेजियोक्लेज है उसके अंदर टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये है कि गार्नेट के अंदर 6 होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके अंदर आपके प्लेजियोक्लेज के अंदर 4 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो सिलिका को रिप्लेस करता है प्लेजियोक्लेज के अंदर, ठीक है, टेट्राहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आंसर है ये भी हो सकता था, लेकिन टिपिकली प्लेजियोक्लेज में एल्यूमिनियम जो है वो सिलिकन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो टेट्राहेड्रल साइट ही ऑक्यूपाई करेगा, उस केस में उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 हो जाएगा। और गार्नेट के अंदर जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्टाहेड्रल साइट में रहता है। अब वो पॉलिंग रेडियस रेशियो, अगर आपको याद आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने डिफाइन किया था, इन्हीं कैप्सूल्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, उसका अलग से कोई वीडियो लेक्चर बना नहीं है अभी। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी मिनरोलॉजी के वीडियो लेक्चर आएंगे फॉर श्योर। तो इसमें ये ध्यान में रखना कि जब टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल साइट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 4 होंगे, ऑक्टाहेड्रल साइट की बात करेंगे या ऑक्टाहेड्रॉन की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन प्लेजियोक्लेज विल बी 4, एंड इन केस ऑफ गार्नेट इट विल बी ऑफ 6 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अब यहाँ पे ये जो है द चेंज, ये अगेन ये मिस्टर एस के ने कमेंट किया था, मुझे ठीक लगे ये क्वेश्चन इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। द चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिलिकन व्हेन अल्फा क्वार्ट्ज ट्रांसफॉर्म टू स्टिशोवाइट विच हैज़ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके कितने हैं, 6, ठीक है। और यूजुअली मैंने अभी क्या बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि सिलिका आपकी टेट्राहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, सिलिकन जो है। तो टेट्राहेड्रल साइट में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, 4। तो ये आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, अल्फा क्वार्ट ट्रांसफॉर्म्स टू स्टिशोवाइट विच हैज़ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था और इसके पास में कितना है, 6। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। 2 ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ये ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इतना ही है आज के कैप्सूल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, सीनियर्स एंड इवन योर टीचर्स।